लाहौर के अंदर। ये सब क्या हो गया शीनू? इन जालिमों ने मिलके तुम्हारा क्या हाल कर दिया? अब तुम क्या करोगे? राशिद खान को फोन करोगे या फील्ड पे फ्री फंड का एग्रेशन दिखाओगे? मैं पीएसएल वालों से बात करके तुम्हें प्लेऑफ में क्वालिफाई करवा दूं? ओहो, उसके लिए भी तो मैच जीतना जरूरी है। हाँ, आराम से बैठे बैठे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का एक तरीका है, PSL 10 का वेट करो शीनू। भाईजान ने तुमको बोला था ना कि ये वही चाचा 11 है जो लगता है सबको कि कुछ नहीं कर सकता, नाइट मैचेस में होता है कि इनको मार के इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर वो चाचा 11 टॉनिक पे आती है और फिर वो ठक ठक करती हुई निकालती है और नाइट मैच लपेट के ले जाता है। अबे भाई, ये वही है, दीज गाइज आर लिटरली चाचा। कायरन पोलार्ड रिटायर होके बैठा है, मुंबई इंडियंस का बैटिंग कंसल्टेंट है वो। जब वो आया था तो हमको धक्का बक्का था, ये कहां से आ गया, ये अभी तक खेल रहा है। शोभी भाई इज लाइक 42, ठीक है। अब वो बाल डाय करके आया, तलवार से अपनी खत बना रहे थे, लेकिन वो 42 साल के 99 में शोभी भाई ने अपना डेब्यू किया था। 99 में मैं पैदा हुआ था, मैं 25 साल का हूं। ही इज बीन प्लेइंग फॉर लाइक 25 ईयर्स। अक्टूबर में उनकी क्रिकेट की सिल्वर जुबली है शोभी भाई की, वो 25 साल से खेल रहे। तबरेज शमसी का इतना बड़ा पेट है भाई, डेनियल सैम्स को देखो, कहने को 31-32 साल के, उसके यहां से सफेद सफेद बाल आते हैं। ओ भाई, ये टीम रिटायर्ड 11 और ये मार के चली गई लाहौर कलंदर को। ये वो लाहौर कलंदर है जो कहते हैं कि बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है भाई। इस लाहौर कलंदर के अंदर आपके 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं, बॉलर्स ऐसे हैं जो आपको वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आपकी नेशनल टीम टी20 टीम का कैप्टन है इसके अंदर शाहीन अफरीदी। अभी उनको कायरन पोलार्ड लपेट के ले गया, वो मुझे बताओ सही में नहीं है? वेस्ट इंडीज का बुलडोजर नहीं है वो आदमी? इस तरह से उसने पकड़ के जहादात को लपेटा, फिर शाहीन अफरीदी को छक्का मार दिया, वो लिंडे को बेचारे को उनका मतलब तबाह करके चला गया यार। वो 33 पे 58 रन की वो इनिंग्स खेल के जा रहे हैं, एक एक हाथ से वो छक्के मार रहे हैं, मलाई छक्के, ऐसा लग रहा है जान ही नहीं लग रही। ये रिटायर्ड बंदा ये सब कर रहा है भैया, क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, कायरन पोलार्ड का ना मुझे वो वाला सिस्टम लग रहा है कि वो जिंदगी की आइडियोलॉजी उनकी वो वाली है कि इंसान की उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, उसका दिल जवान होना चाहिए। दिल जवान होगा, इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब आप कैच तो देखो, आप कैच देखो जरा, बाउंड्री के ऊपर कितना प्यार से कैच पकड़ा भाईजान। ये बड़े बड़े लड़के नहीं पकड़ पाते, जवान जवान प्लेयर्स नहीं कर पाते, फिटनेस वाले फ्रीक्स नहीं कर पाते। देखो तो यूं कैच पकड़ के ऐसे अंदर फेंक दी और फिर आके कैच कर ली। ये वाला शायद आफरीदी ने भी किया था एक दफा, और कराची में ही किया था, याद होगा आप लोगों को। मतलब देखो तो उसके बाद मैच जीत के, मतलब आप जोश का लेवल चेक करो बंदे का, कि मैच जीत के पिशावर, ये पिशावर वाले मैच किए, मैच जीत के कैसे गंदे गंदे इशारे। पोलार्ड भाई ये सब क्या है, क्या है ये पोलार्ड चाचा? आप मुझे बताएं, आपकी उम्र को ये सब जेब देते, क्या गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं आप बच्चों को? बच्चे घर जाके बोलेंगे कि ये देखो पोलार्ड चाचा थे मैच, उन्होंने मैच हरा के हमेशा यही कर दिया। क्या है ये सब पोलार्ड चाचा? ये हम्बल पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी। मतलब क्या है ये, क्या ये सब बच्चों को इतने गंदे गंदे इशारे क्या करना चाह रहे हैं आप? अब इस पर ना एक सवाल ये निशान उठ रहा है कि भाई ये लाहौर कलंदर कर क्या रही है। सीधा सीधा सवाल है, लाहौर कलंदर कर क्या रही है? मतलब ठीक है, आपका बैटिंग अंदर साहिब ज्यादा फरहान है, जिसको काफी ज्यादा जो है ना कल क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था कि भाई ये साहिब ज्यादा फरहान क्या कर रहे हैं। लो भाईजान, कल उसके 30 बॉलों पे 37 रन थे, जब सामने से फखर जमान, रिजी वेंडर डुसेन और एहसान भट्टी वो आउट होते जाते गए, उसको दूसरे एंड से विकेटें गिरती जा रही है, फिर भी वो 30 बॉलों पे 37 रन बना के बैठा हुआ है। और उसने अपनी इनिंग्स कब फिनिश की है? 45 बॉलों पे 72, मतलब उसने अगली 15 बॉलों में 35 रन मार के आपको एक रिस्पेक्टेबल टोटल दे दिया कि जाओ भाई डिफेंड कर लो, क्योंकि यार लाहौर की बॉलिंग तो है ना। अब देखो, एज अ कराचाइट, मैं वैसे तो मुझे कराची में इतना कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब जब लाहौर कलंदर से होगा ना, तो जानी मैं तो डाउनफॉल इंजॉय करता हूं लाहौर कलंदर का। बस मुझे है बस, क्योंकि ना चौड़े चौड़े खत्म नहीं होते ना, वो आंखें दिखा रहे हैं आके कि हम बदमाश हैं, हम 150 मार सकते हैं, फिर वो आकिब जावेद है वो वहां पे बैठ के जाए, फिर वो बच्चों को बॉडी शेम करते हैं कि साउथ शकील के इतने इतने से हाथ है, इतनी इतनी सी टांगे, वो खुद इतना सा है, उसने मिला मिला के शाहीन अफरीदी को, उसने मैथ्यू वेट किया दिला दी थी शाहीन अफरीदी को। तो इनका डाउनफॉल तो हमें इंजॉय करना ही है, वो है ठीक है। अब उसके लिए आप मुझे चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अगेन ओ भाई, मुझे वर्ल्ड कप देखना है आगे भाईजान। अब ये रिटायर्ड बंदा इनको मार रहा है, तो वहां वर्ल्ड कप में क्या होगा? वहां तो सारे फॉर्म में होंगे, मैक्सवेल क्या करेगा इनके साथ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रिंकू, वहां तो रिंकू सिंह भी होगा, रिंकू सिंह आ रहा है वर्ल्ड कप खेलने, क्या कर रहे हो भाई? भाई मुझे लाहौर कलंदर में एक ही पॉजिटिव चीज नजर आ रही है, वो है साहिब ज्यादा फरहान। ठीक है, आपको पता है लाहौर कलंदर के 10 ओवर में कितने रन थे? 59 रन थे 10 ओवर में। और लाहौर कलंदर इनिंग्स कब फिनिश की अपनी? 176 पे। 59 में से 175 निकाल लो, 176 निकाल लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कितने रन बनाए उन्होंने आखिरी 10 ओवर में। तकरीबन कोई 120-130 रन उन्होंने आखिरी के 10 ओवरों में बनाए। तो भाईजान वो साहिब ज्यादा फरहान था तभी तो बन गए ना, ठीक है। और कराची का मैं आपको सिस्टम बताऊं, कराची की जब 5 विकेट गिर गए थे ना, जब मैच वगैरह नवाज भी चला गया, शानू द किंग भी चले गए, सब चले गए थे, तो शोएब मलिक और कायरन पोलार्ड खड़े हुए थे, इनको चाहिए थे 55 पे 95, ठीक है। मैंने टीवी बंद कर दिया था कि कराची तो हार गई। तकरीबन 45 मिनट में खबर आती है कि कराची मैच जीत गए, कायरन पोलार्ड ने इनका काम उतार दिया सबका मिलके। यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे?
और भाई एक मैं बताऊँ, ये बड़े बोल हैं, ये बड़े बोल लेके डूब रहे हैं, ठीक है। मैं लाहौर से तो मेरा कोई गर्ज ही नहीं है ना, लाहौर तो हारे तो मुझे खुशी होती है, मुझे सिर्फ एक आदमी के लिए थोड़ा सैड फील हो रहा है, वो है साहिबजादा फरहान भाई। 4 मैचों में उसकी 350 है डिसेंट स्ट्राइक रेट, वो आपका ओपन आता है, उसकी आप प्लेसमेंट देखो, बैटिंग देखो, उसकी बैटिंग देख के अच्छा लगता है, यहाँ भाई ऐसा बैट्समैन है ये, और ये डोमेस्टिक में मतलब उसकी फॉर्म वॉर्म आजकल लगी हुई है ना, तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वो जब हारता है ना तो मुझे अफसोस होता है कि इसकी मेहनत जाया क्यों जा रही है, ये बेचारा ये रन कर करके मतलब 4 पे 4 मैच हार गए भाई। आप 2 और मैच हारोगे ना बाहर हो जाओगे, ये मैं बता दूं, लाहौर कलंदर 2 और मैच हारेगी, लाहौर कलंदर बाहर हो जाएगी, या तो फिर अली जफर को पकड़ो कि अली जफर आए हैं और फिर आप लाहौर का हाल देख लो, ये मैं अब आप देख लो, अली जफर आए और आप लाहौर का हाल देख लो, वो आए हैं और लाहौर वापस अपने पुराने वक्तों पे चली गई। और इसके अंदर एक और चीज है, देखो मेरा दिमाग, अब देखो आपका भाई का दिमाग चल रहा है थोड़ा टैक्टिक्स की तरफ ना, अभी PSL चल रहा है, पूरी दुनिया की नजर है हम पे कि शाहीन क्या करेगा, हारिस क्या करेगा, जमान क्या करेगा, हो सकता है ये जानबूझ के मैच हार रहे हो सकता है ये लोग, इनकी स्ट्रेटेजी हो कि दुनिया को ये लगे कि ये तो कोई छपरी है, इनको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूम जाएंगे और फिर वर्ल्ड कप में जाके दिखा देंगे उस्ताद हम तो ये कर सकते हैं, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त सबको लग रहा हो कि अभी तो गंदी सी टीम है, फारिग टीम है ऐसी, और फिर वर्ल्ड कप में एकदम से पलट के आ जाए, ये कहीं वो चाचा वाला गेम है दुनिया के साथ तो नहीं कर रहे कि दुनिया को लगे फारिग टीम और फिर चाचाओं की तरफ पलटी खा के पूरा टूर्नामेंट उड़ा दे, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। इन साफ सी बात है भाई, बड़े बोल ले डूबे कि हमारी पेस फैक्ट्री, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बाउंसर मार के आंखें दिखाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौड़े कराना, और ये बोलना कि अब इसको ओपनर भेजना, हम ये कर देंगे, बेचारा हारिस रऊफ भी कल इंजर हो गया, अब खुश हो तुम लोग, अब खुश हो तुम लोग, उसको बेचारे को क्रिटिसाइज कर करके वो इंजर हो गया, पता ही नहीं वो अगला मैच खेलता है कि नहीं खेलता, उसका कंधा गया है कि घुटना गया है कि उसका सर जमीन पे लगा, वो तो पूरा जमीन पे गिरा था, पता नहीं क्या कह रहा उसका लगा है, अब खुश हो तुम लोग, अब तुम लोग लगाओगे पोस्टर हारिस रऊफ के लिए मिस यू किंग, और अच्छा वक्त देखा है तो बुरे वक्त में सपोर्ट करना चाहिए, ये तुम्हारी गलती है, खेलने देते इज्जत से यार, थोड़ा रन पड़े तो क्या हो गया मतलब यार। खैर एनीवेज हारिस रऊफ दुआ है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन यार अगेन मुझे लाहौर का समझ नहीं आ रहा भाई, मुझे लग रहा है कि उस्ताद ये वापस ना PSL 10 वाली होगी, हम PSL 10 में कम बैक करेंगे, बुराई मुझे लग रहा है जानी बुराई आई है, मोलाई मोछड़ा पड़ गया इनको। और दूसरी तरफ मैं गौर करूं कराची का स्क्वाड अभी और कड़क होने वाला है, अभी तो मीर हमजा है ना दोनों तरफ घुमा रहे, हसन अली 125-26 की बॉल, वही भागते हुए 126 की बॉल वही फेंक रहे, इजी हो गया ना, मूछ उन्होंने रख लिया मिचेल जॉनसन वाली, ठीक है जब हसन अली ने बॉल कराई ना मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा भाई ये कौन है, ये कौन आ गया, फिर मैंने गौर से देखा, मैंने कहा हसन अली मिचेल जॉनसन, ये मिचेल जॉनसन वो वाले हैं कि आप मिचेल जॉनसन को रात भर पानी में डाल के रखो, ठीक है जब वो नरम हो जाए ना सुबह उनको बेलन से ऐसे करो चपटा करो और छत पे फैला दो ना थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के, जब शाम को उठाओगे ना तो वैसा मिचेल जॉनसन होगा अबे यार क्या आदमी है यार खैर खैर एक और बात बता दूं, कराची का स्क्वाड अभी कड़क होने वाला है क्योंकि मुजर अब्बानी आ गए हैं, कौन ब्लेसिंग मुजर अब्बानी, बाबर आजम के बेस्ट फ्रेंड, बॉबी बच के रही हो, ब्लेसिंग मुजर अब्बानी आ गया, मैं बता रहा हूँ इसको, तूने छक्के नहीं करा ना फिर मैं तुझे बताऊंगा।